सभी को गुड इवनिंग। देखेंगे थोड़ा सा, हम दो चार दिन डिस्टर्ब रहे थे अभी, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम था तो उसी में हम घर गए हुए थे, कुछ काम था, अब हम आ गए। जो भी मेरा जो शाम का झारखंड जीके का बैच चलता था, वो बैच का जो टाइमिंग था 8 से 9, ठीक है ना, 8 से 9। अब ये जो बैच है कल से अपने टाइम पे स्टार्ट होगा। सब लोग जिस तरह पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यूस, उसी तरह करेंगे, कल से लाइव आ जाएंगे। क्या जो हम पढ़ा रहे थे झारखंड का, शायद विद्रोह पढ़ा रहे थे, टॉपिक चल रहा है वही विद्रोह, वहीं से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे कल से। आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट मैसेज भी आ रहा था, ठीक है, जीके के क्लास से इंक्वायरी संबंधित। चलिए ठीक है, कुछ काम भी था तो वो भी करना जरूरी था। अब जो हम निश्चिंत हो गए हैं और सारे आपका जो हम जीके का जो आपको टारगेट हम लिए हैं 2 महीना में कंप्लीट करने का, ठीक है ना, वो पक्का हो जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहे, वो मेरा जिम्मेदारी है। और एक क्या सूचना है कि जिनका भी झारखंड में जो पंचायत में अब रिजल्ट आया है, ठीक है, झारखंड पंचायत सा जिनका भी हो गया हो, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो बहुत दिन से वह एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वह वेटिंग में था और काफ़ी लड़का परेशान भी था उसमें, और कई लोग ने उसमें लड़का लोग का साथ केस वगैरह भी चल रहा था, मुकदमा, और वो भी फाइनली केस जीत गया और रिजल्ट भी आ गया, कई सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ उसमें, तो चलिए वो तो सही है। लेकिन हाँ, अपना जो है तैयारी कंटिन्यू रखना है, मेहनत कंटिन्यू रखना है। जो आप लोग का टारगेट है झारखंड सीजीएल क्रैक करने का, वो जो बैच परचेज किए हैं स्पेशली हम उनके लिए भी बोल रहे हैं, और जो नहीं परचेज किए उनके लिए भी बोल रहे हैं, अपना पढ़ाई सतत कंटिन्यू रखना है। चलिए तो कल से आप लोग पता चल गया 8 से 9 आपका जीके क्लास होगा। आप कोई मैसेज कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज जो हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा होता है, लिखा हुआ है विस्फोटक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है। तो विस्फोटक सबसे पहले समझेंगे वो होता है जिनके दहन से, ठीक है, उष्मा और तीव्र ध्वनि जब निकलता है उसको कहते हैं विस्फोटक। अब इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि विस्फोटक कितने प्रकार के होते हैं, और वह जो विस्फोटक कितने प्रकार के होते हैं वो तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसमें किस रसायन का प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विस्फोटक आपको जानने से काम नहीं, जैसे आपको एग्जांपल आरडीएक्स नाम सुने होंगे आप, आरडीएक्स में कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता है डायनामाइट को, ठीक है ना, उसमें कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है वो आपके लिए जानना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले जो डायनामाइट था उसमें कुछ और रसायन का प्रयोग किया जाता था, अब वर्तमान में कुछ और प्रयोग किया जा रहा है, आप उसका नाम जानना पड़ेगा। आरडीएक्स का ही देखिए विस्फोटक जो पदार्थ है, कई सारे देशों में कई अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं, अमेरिका में कुछ और कहते हैं, इटली में किसी और नाम से जानते हैं, जर्मनी में किसी और के नाम से जानते हैं, इंडिया में किसी और के नाम से जानते हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है और वो हम आपको आज क्लियर करने वाले हैं। तो बात सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विस्फोटक होता क्या है, समझ लीजिए। जब कोई भी उस रसायन से कोई भी आप जब विस्फोट करते हो, ठीक है ना, किसी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हो, उससे उष्मा और तीव्र ध्वनि, उष्मा और तीव्र ध्वनि जब निकलता हो उसे कहते हैं विस्फोट। अब अगर हम इससे बात करते हैं और विस्फोटक कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जैसे देखेंगे डायनामाइट, दूसरा अगर बात करते हैं विस्फोटक का नाम आरडीएक्स, हम पूरा बताएंगे आरडीएक्स के बारे में, तीसरा अगर बात करते हैं जो विस्फोटक आता है और टीएनपी, चौथा जो विस्फोटक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीएनपी, डायनामाइट, आरडीएक्स, टीएनटी, टीएनपी, ठीक है ना, और जो पांचवा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गन पाउडर।
गन पाउडर को हिंदी में बोलते हैं बारूद। गन पाउडर या हिंदी में इसको बोलते हैं बारूद। ये पांच प्रकार का हमें पढ़ना है इस विषय, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके, सारे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, डायनामाइट, आरडीएक्स, टीएनपी, सारे के बारे में बात करेंगे हम लोग। झारखंड का जो बैच था ऑफर अभी भी कंटिन्यू है, जो परचेज लेना करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट एकदम उसमें है, झारखंड सीजीएल या जो भी एग्जाम है उसको क्रैक करना है। अब हम लोग आते हैं इस पर और एक एक करके हम लोग बात करते हैं सारे प्रश्नों को, देखेंगे। सबसे पहले है डायनामाइट, लिखा हुआ है तो डायनामाइट के बारे में पूरा हम लोग समझते हैं, विस्फोटक के बारे में। देखेंगे डायनामाइट की अगर बात करें, इसका खोज जो किया है यह सन 1863 में इसके द्वारा किया गया, तो ध्यान देना अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के तहत के द्वारा 1863 में खोजा गया है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि डायनामाइट में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो भी रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले वो आपको जानना पड़ेगा कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले अगर बात करते हैं और अभी दोनों हम लोग समझेंगे, पहले अगर बात करते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता था। नाइट्रोग्लिसरीन, अब जो प्रयोग किया जा रहा है इसके जगह पर वो किया जा रहा है सोडियम नाइट्रेट। अब जो प्रयोग किया जा रहा है वह किसका प्रयोग किया जा रहा है, वह किया जा रहा है सोडियम नाइट्रेट का, याद रखेंगे, नाइट्रोग्लिस रसायन का जो प्रयोग किया जा रहा है, याद रखेंगे यहां पे। इसलिए डायनामाइट में एक और प्रयोग किया जाता है प्लेटिन का भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, प्लेटिन का भी प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, ठीक है ना। पुरस्कार यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे बात करते हैं कि कब इसका खोज किया गया, 1863 में जो रसायन का प्रयोग किया गया है वो नाइट्रोग्लिसरीन, और अब जो प्रयोग किया जाता है सोडियम नाइट्रेट इसके जगह पर, और यहाँ पे इस विस्फोटक पदार्थ में जिलेटिन का ही प्रयोग। तो बात समझ में आ गया डायनामाइट के बारे में। अब हम लोग दूसरा अगर बात करते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आरडीएक्स, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले जो आरडीएक्स का पूरा नाम होता है वो एग्जाम पूछता कई बार, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ये तो आप समझ में आ गया यह क्या है, आरडीएक्स का पूरा नाम है।
आरडीएस का जो पूरा नाम है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, पर बात करें का जो खोज किया गया क्वेश्चन 1899 में, ठीक है ना, इसके द्वारा तो हैंस हैनिंग के द्वारा। आरडीएक्स अगर बात करते हैं, इसमें जो उष्मा दहन होता है आरडीएक्स में, ठीक है ना, वो कितना होता है, तो 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम जो आरडीएक्स है या प्रति ग्राम उष्मा का इसमें दहन होता है, देखेंगे। नोट कर लीजिए, अब आगे आएंगे। जो आरडीएक्स है इसका अन्य नाम अगर बात करते हैं, ये प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। अच्छा एक बात देखेंगे, अब मेरा एक आ रहा है जीएस का बैच, ठीक है, तो जीएस इसमें हम बैच मेरा जो रहेगा, इस बैच में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों पढ़ाया जाएगा फुल डिटेल में, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप विश्वास करें, बायोलॉजी तो इतना खतरनाक आपको पढ़ा देंगे ना, पढ़ाएंगे तो तीनों जबरदस्त अंदाज में, लेकिन बायोलॉजी जो है आपको लग जाएगा इतना डीपली, ठीक है ना, यस में डरना नहीं है, यस में गजब का आपको पढ़ाएंगे, ताकि हर एग्जाम आपको वहां से फंसेगा, चाहे किसी भी तरह का ऑल ओवर इंडिया एग्जाम देते हो, झारखंड सीजीएल नहीं, एसएससी सीजीएल भी रहे, रेलवे रहे, ठीक है ना, या आपका बैंकिंग का भी एग्जाम हो, या किसी तरह का स्टेट लेवल का भी एग्जाम हो, जीएस से संबंधित सारा प्रश्न आपका बनेगा, ये मेरा गारंटी है। चाहे बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो, या यूपीएसआई हो, कोई भी देना हो, तो ये जीएस वाला बैच आपको काम करेगा। ये जो जीएस बैच मेरा लॉन्च होने वाला है वो 26 जनवरी को सरस्वती पूजा भी है, उस दिन यह बैच लॉन्च हो जाएगा। ज्यादा फी नहीं, नॉर्मल फी रहेगा, बस एक बार आपको मिला, मौका मिल रहा है, आप परख लो एक बार मुझे, उसके बाद तो बैच चलते रहेगा। परखने का टाइम दिए, परखने का मौका मिल रहा है, और वही मौका में आप सारा मेरा क्या करें, नॉलेज का अच्छा से उपयोग कर लेंगे, ताकि आपका क्या हो, एग्जाम में निकल जाए कम पैसा में, ठीक है ना, और आपका काम हो जाए। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे आरडीएस के बारे में, इतना सारा जान गए, आरडीएस का अन्य नाम भी है, कई सारे देशों में बनाया जाता है, इसको पुकारा जाता है, वह किस किस नाम से सुन, जो अन्य देश है, अन्य देशों में आरडीएस को क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, अमेरिका में इसको कहते हैं साइक्लोनाइट, ठीक है ना, ठीक है। बात करते हैं जर्मन, ठीक है, तो जर्मन में इसको क्या कहते हैं, हेक्सोजन, और अगर बात करते हैं यूएसए हो गया, जर्मन हो गया, और एक इटली, तो इटली में अगर बात करें तो किस नाम से जानते हैं, तो T4 के नाम, किस नाम से, T4 के नाम से जानते हैं, और ये जबरदस्त है, ये जो आपको हम बताए हैं ये एकदम VVI है, ये तीनों प्रश्न एग्जाम में हजारों बार आया है, और आने का संभावना भी है, और पूछा भी जाता है कि आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, जर्मन में किस नाम से जानते हैं, और इटली में किस नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे,
ठीक है ना। इटली की राजधानी कहां पे है? रोम। इटली की राजधानी रोम है, याद रखेंगे। और इटली की राजधानी रोम है, और इटली जो बसा है वह टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछता है एग्जाम में, याद रखें, नदी टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आरडीएस के बारे में समझ में आ गया। चलिए और तीसरा देखें क्या है, टीएनटी। तो देखिए टीएनटी जो है इसका पूरा नाम ही पूछता है एग्जाम में। टीएनटी का जो पूरा नाम पूछता है वह होता है ट्राई नाइट्रो टॉलविड। और टीएनटी जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रो टीएनटी, ठीक है ना, टीएनजी होगा, कर लेंगे टीएनजी, ट्राई नाइट्रो टॉलविन। और टीएनजी का होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ठीक है ना। और एक और होता है TNP होता है, ऐड कर लेंगे सिक्स नंबर, चलिए छूट गया था TNP। इसको क्या कहते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलेंगे? तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, याद रखेंगे। ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है इसका भी अन्य नाम है, और कई नाम से भी इसको भी कहते हैं, इसको कहते हैं एक नाम है पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। टीएनटी जो है कहते हैं नोबेल का तेल। तो ये तो मेरा जो टॉपिक था वो था आपका विस्फोटक से संबंधित सारे प्रश्न बताए आपको डिटेल में। विस्फोटक होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विस्फोटक में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, और कई सारे विस्फोटक है जिनका अन्य देशों में कई नाम से भी बनाते हैं हम लोग, पुकारते हैं या अन्य नाम से जानते हैं। तो सारे बात को समझा दिए आपको, ठीक है ना। बस एक कहिए आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करा दिए। अब हमें जो चलेगा कल से याद रखेंगे, अपना लाइव बैच 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक चल रहा था जनजातीय विद्रोह, वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से कंटिन्यू होगा। कल से लाइव रहेंगे, सब लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। अब क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, कुछ कारणवश से हम क्लास 2 से 3 दिन नहीं ले पाए, इसके लिए मुझे क्षमा मांग कर दीजिए, चलिए ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम पे मिलेंगे, सभी को गुड नाइट।